దర్పణ దృశ్యమాన నగరీ ప్రబోధసమయే స్వాత్మానమేవాద్వయం తస్మై శ్రీ మనోపమం శతపత్రపత్రసదృశాయతే క్షణం ధృతవేణురేణు పరిమండితం గవాం హృది నోస్తు కౌస్తుభ ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. శ్రీకృష్ణ భగవాన్ అతని ముఖ మే माता को विश्व का दर्शन क्यों कराया? तो अभी तक कई बात कुछ शब्द के आधार पर, कुछ राजनीति के आधार पर, कुछ धर्म के आधार पर, कुछ प्रेम के आधार पर अलग अलग भाव. अब ये कहते हैं एक सफाई मध्यम ये है, सफाई माने होता है कोई दोष लगाए तो उस दोष का मार्जन कैसे किया जाता है, उस दोष को साफ कैसे किया जाता है. जितने ग्वाल बाल हैं ये कहते हैं कि इसने मिट्टी खाई है, इसने मिट्टी खाई है, ये इनका कहना बिल्कुल झूठ है. मैया अपने बाएं हाथ से दाहिना हाथ पकड़ के खड़ी है, मैया का बाया हाथ कृष्ण का दाहिना, उगल माटी. अब वो महाराज माटी उगला क्या, अपने मुंह में दुनिया दिखा दी. तो महात्मा लोग ऐसा कहते हैं, असल में कृष्ण ने माता को दुनिया नहीं दिखाई. एक और तो बलराम कहे कि मिट्टी खाई है और कृष्ण कहे कि मिट्टी नहीं खाई है. तो जीव की दृष्टि ये है कि भगवान भोक्ता है और परमात्मा की दृष्टि ये है कि भगवान भोक्ता है. तो मैया को मारने के लिए तैयार, तो अगर खाई है तो मैया पी देगी और नहीं खाई है सिद्ध हो जाए तो दाऊ दादा पी देंगे. तो उभयता पाता रज्जु, दोनों ओर से रस्सी में गांठ ही लगेगी, चाहे इधर से लगे चाहे उधर से लगे. तो जोग माया ने देखा कि हमारे स्वामी श्री कृष्ण बड़े संकट में पड़ गए. माटी खाई तो मैया पी दे और नहीं खाई तो दाऊ पी दे. तो बोले जो माया ने, सेवक का यही काम है कि जब अपना स्वामी किसी संकट में हो तो वो कोई ऐसी युक्ति कर दे कि स्वामी संकट से मुक्त हो जाए. तो योग माया है दासी. आपने देखा जब परशुराम जी राम जी पर बिगड़े और मालूम पड़ा कि परशुराम जी ने राम जी को मार डालेंगे, तो बीच में लक्ष्मण जी ने पढ़ के महाराज ऐसा चिढ़ाया परशुराम को, जो गुस्सा राम जी पर था वो गुस्सा लक्ष्मण जी पर आ गया. वो कोई लक्ष्मण जी की चंचलता नहीं थी, वो एक राजनीति थी कि हमारे भाई पर मार न पड़े, स्वामी पर मार न पड़े, हमारे ऊपर गुस्सा आवेगा तो यही उतर जाएगा, हमारे भाई पर तो नहीं आवेगा ना. एक युक्ति थी, वो युक्ति. तो योग माया ने बीच में पढ़ के क्या किया कि भगवान के मुख में विश्व दिखा दिया. अब तो बलराम जी भी चकित और मैया भी चकित. तो वो कहते हैं कि अभी देखो सफाई का ढंग एक दूसरा है. योग माया ने विश्व दिखाया, भगवान कहते हैं मैंने दिखाया, लो मैंने ही दिखाया. बोले कि ये मैया सब मुझे दोष लगाते हैं, मुझे दोष लगाते हैं. मामे वतुत्तिष्य वदन्ति सर्वे मातत् तदत्यंत मृषैव जस्मात्. बहुत झूठी बात है ये. क्यों? देखो फैला दिया सबके ऊपर. उत्ता मया चेद अखिल रपीति, मैंने अगर ये माटी खाई है तो सबने माटी खाई है. कैसे माटी खाई है का देख ले, मेरे मुंह में धरती है, भारत वर्ष है, ब्रजभूमि है, ग्वाल बाल है, तू है, मेरे मुंह में बैठ के सबने माटी खाई है. मारे गांव के गांव ने यही गलती की है. जब गांव के गांव ने यही गलती की है तो उस प्रवाह में मैंने भी कर लिया, इस पर अकेला मेरा ही दोष क्यों? ये चोर लोग बताने लगते हैं, हो जो चोरी करते हैं ना,
तो बताने लगते हैं कि मेरे साथ वो भी थे, मेरे साथ वो भी थे, मेरे साथ वो भी थे। और जब इतने बड़े बड़े लोगों के साथ में था और सबने चोरी की तो हमारे ऊपर दोष क्यों? ये भी एक ढंग है असफाई का। तो सफाई देने के अनेक अनेक ढंग होते हैं। इसी भाव से भगवान ने अपने मुख में विश्व का दर्शन कराया, एक भाव। अब बोले गतसनम कृतमद्य कुतस्त्वया गिरमिति प्रसुबोध निसम्यसः निज मुखे किमु विश्व निवासिनी न वसुधासन भक्ति मदर्शयत। मैया ने पूछा कि क्यों रे कन्हैया, क्यों रे चटोरे, आज तूने ये गंदी चीज क्यों खाई? माता की ये बात सुन करके अपने विश्व निवास मुख में, सारी दुनिया पहले से मुंह में मौजूद है, तो उन्होंने क्या दिखाया? जब ये शब्दालंकार है, मुख्य रूप से इसमें अर्थ पर दृष्टि नहीं है। बोले न वसुधासन भक्ति मदर्शयत, नवसुधासन भक्ति मदर्शय, हमने नया अमृत पिया है। ये देवताओं की भलाई के लिए नवसुधासन जो देवता लोग हैं नूतन अमृत पीने वाले, उनके लिए एक रक्षा का नया प्रबंध किया है मिट्टी खा करके। और न वसुधासन भक्ति मदर्शय, मैंने मिट्टी खाई कहाँ है? मिट्टी तो पहले से ही हमारे मुख में मौजूद है, हमने आज ये कोई नया काम नहीं किया है, तो हमेशा ही ऐसा करते हैं। अरे हमेशा करने से कोई गलती जो है वो सही थोड़ी हो जाती है। तो देखो ये तो पहले से ही हमारे मुंह में है। अब एक दूसरा भाव सुनाते हैं। सत्यावरणीय मवाप्य गोप शिशुधि चक्री दया जगा तन मृत्मा संतश्च बाल चरितम व्यक्ति चकाराच्यतः। कहते हैं कि जब भगवान गोप बालकों के साथ खेल रहे हैं तो कन्हैया और ग्वाल बाल भाई भाई जैसे सब बालक बैठे देवी, तो जैसे सब बच्चे मिट्टी खाते हैं वैसे जब बच्चे हुए तब कृष्ण ने भी अपने दोस्तों के साथ मिट्टी खाई, जैसे ग्वाल बाल और बच्चे खाते हैं वो भी याद आती है अपने बच्चों की। ये जब नई पहले पहल जब वर्षा होती है ना आषाढ़ प्रथम दिवस है, तो बम्बई की तरह माटी के हाथ थोड़ी होती है, यहाँ की मिट्टी देख करके तो गंदी गंदी मालूम होती है। और महाराज वो गांव की मिट्टी खेत की बड़ी पवित्र, जो नई बरसा हुई ऐसी सुगंध उठती है मिट्टी में कि हाथी पागल हो जाते हैं उस मिट्टी को सुन करके। आषाढ़स्य प्रथम दिवस है मेघमासानुम, हाथी पागल हो जाते हैं, सूंघते फिरते हैं, सूंड अपना इधर उधर करते फिरते हैं, वो मिट्टी में से सुगंध निकलती है। तो उस समय बच्चों के मन में भी आता है तो सुगंधित मिट्टी लेके खाते हैं। और गांव में महाराज स्त्रियों के जब गर्भ रहता है ना, बच्चा होने वाला होता है, तब तो वो खपरेल खाने का वो मजा लेते हैं। ये कुम्हार के आवे में जो खपरेल पकती है ना, उसके खाने का वो मजा लेते हैं, बच्चे भी खाते हैं। बात यह है कि जब उस समय कोई चीज मांगता है ना भीतर से तो खाते हैं, तो बच्चे भी खाते हैं, उससे कीड़ा पड़ जाता है पेट में। हो माटी खाने से ये बताना जरूरी है कि यदि कोई मिट्टी खाएगा तो पेट के भीतर जो कीटाणु होते हैं वो मिट्टी खा खा के केचुए तरीके हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, इसलिए वो शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, खाना नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा कि जब हम ग्वाल बालों के साथ अवतार लेकर के आए हैं तो जैसे सब ग्वाल बाल जैसे सब बच्चे मिट्टी खाते हैं गाँव में, वैसे हम भी खाएंगे, नहीं तो बच्चे खाए तो। बोले ठीक है, बच्चों से मिल गए इसलिए बच्चों की तरह मिट्टी खाए। बोले अब बच्चों ने क्या किया कि उनको अलग कर दिया? बोले देखो मैया, इसने माटी खाई है, माटी खाई है, तब तो स्वतंत्र कर दिया उनको। जब स्वतंत्र कर दिया तो विश्वात्मा ने कहा कि देखो हमारे भीतर सारी दुनिया है, हमने कुछ खाया वाया नहीं, अपने को अलग कर दिया भगवान। जब उनके साथ मिल गए तो उनकी तरह माटी खा ली, और जब उन लोगों ने अलग कर दिया तब बता दिया कि हमने नहीं खाई है, इसलिए दोनों बात बिल्कुल भगवान में ठीक है। अब एक और भाव सुनाता है। बहुतो रूपाणि संकेव में यत् तत्र प्रमुखं तदस्य जननी संदर्शयाम्यञ्जसा मन्ये सौ मुखैव विश्व विभवं प्रादर्शयत् कौतुकात् नो चेद् अर्जुनवद् व्यदर्शिन कुतः स्वांगे विराडात्मता। भगवान ने ये विचार किया कि वैसे तो भक्त लोग हमारे अनेक अनेक रूप का चिंतन करते हैं, असल में चिंतन की उपाधि से ही भगवान में रूप बनता है।
यदि कोई चिंतन करने वाला न हो, जैसे समुद्र में लहरों का रूप कैसे बनता है जब वायु का दबाव पड़ता है, नहीं तो कैसे बनेगा। अच्छा, बालू में तरह तरह की लकीरें खींच जाती हैं, वो कैसे खींचते हैं, कब वो वायु से खींचते हैं। एक सोना में तरह तरह के जेवर कैसे गढ़े जाते हैं कि जब सुनार गढ़ता है, माटी से तरह तरह के बर्तन कैसे बनते हैं जब कुम्हार बनाता है। तो परमात्मा तो एक तत्व है, वो ये भक्त लोग सुनार की तरह, बढ़ई की तरह, हवा की तरह अपने अंतःकरण के दबाव से उसमें नाना प्रकार के रूप बना लेते हैं। छुट्टी है आपको भगवान की। और देखो, सुतामदी पंडितों ने बादशाह को ईश्वर बना दिया, दिल्लीश्वर होगा जगदीश्वर होगा, ये दिल्ली का मालिक है कि जगत का मालिक है। ये कामी लोग जो होते हैं वो अपनी कामिनी को ही कहते हैं कि तुम प्राणेश्वर हो, हृदयेश्वर हो, सर्वेश्वर हो, महेश्वर हो। वो कहते हैं कि बस बस जगत जननी जगदम्बा तो तुम ही हो। तो ये जो ईश्वर में व्यक्ति भाव दूसरा है और व्यक्ति में ईश्वर भाव दूसरा है, ये आप देखो दोनों का फर्क देखो। ईश्वर को अपने प्रेम से व्यक्ति बना लेना ये दूसरी बात है, और किसी व्यक्ति को अपने प्रेम से ईश्वर मान बैठना ये दूसरी बात है। तो ईश्वर का स्वभाव ये है कि उससे प्रेम करो और ईश्वर को अनेक रूप में देखो, और दुनिया के जो अनेक जड़ रूप हैं उनमें एक में आसक्ति करो और कहो कि हमारे एक भैया थे, भैया माने बड़े भाई लगते थे, तो कोई 8-10 पीढ़ी का फर्क था। तो बचपन में हमारी बुद्धि बढ़ाने के लिए वो हमसे उल्टी उल्टी बात किया करते थे। तो वो कहते थे कि देखो, कृष्ण ईश्वर रहे हो चाहे मत रहे हो, गोपियों को उनके ईश्वर होने का पता बिल्कुल नहीं। देखो एक बात उनकी, आप तो मैं भागवत में से दिखाता कि देखो गोपी ने यहाँ उनको ईश्वर कहा, यहाँ उनको ईश्वर कहा, वहाँ इनको ईश्वर कहा। तो कहते कि भाई जान, हमको भाई जान बोल देते, जिसका जिससे प्रेम हो जाता है ना वो उसी को ईश्वर कहने लगता है। तो गोपियों का प्रेम कृष्ण से हो गया, इसलिए वो बिचारी प्रेम में फंस कर कृष्ण को ईश्वर कहते हैं, उनको ईश्वर परमेश्वर का कुछ पता नहीं है, ऐसे हमको वो बताया कर रहे थे। तो ईश्वर को प्रेम से किसी रूप में देखना वो दूसरी चीज है, और किसी रूप को आसक्ति के बस होकर ईश्वर मान बैठना वो दूसरी चीज है। ये भक्ति भाव बड़ा विलक्षण है, बड़ा विलक्षण है। तो रूप तो भगवान के बहुत हैं जो भक्त लोगों ने अपनी भावना से बनाए हैं। अब भगवान ने ये विचार किया कि जो प्रमुख रूप है उसका दर्शन हम अपनी माँ को कराएंगे। यत्र प्रमुखं तदस्य जननीं संदर्शयाम्यञ्जसा। आज मैं सुगम कर दूंगा अपनी माता के लिए वो रूप जो मेरा प्रमुख रूप है, मुख रूप है। इसी से भगवान ने अपनी माता को अपने मुख में विश्व वैभव का दर्शन कराया। नहीं तो जैसे अर्जुन को अपने शरीर में विराट का दर्शन कराया था, वैसे माता को भी अपने शरीर में विराट का दर्शन करा देते। प्रश्न तो दूध वाला था मुख, मिट्टी खाने वाला था मुख, माने अर्जुन को तो अपने सारे अंग में विराट रूप दिखाया और मैया को अपने मुख में विराट रूप दिखाया। तो ये भी एक आश्चर्य है कि अर्जुन तो उस रूप को देख करके डर गए, भय न जब प्रव्यथितम मनो में, थर थर कांपने लगे अर्जुन कृष्ण के शरीर में विराट रूप देख करके। और मैया ने जो कृष्ण के मुख में ये विश्व रूप देखा तो वो डरी नहीं, उसको तो विचार का उदय हुआ, उसको आश्चर्य का उदय हुआ कि मेरे बच्चे के मुंह में ये आज क्या दिख रहा है, ये मेरे लाला के मुंह में आज ये क्या गड़बड़ झाला है। ऐसे हो मैया जो है, मैया आश्चर्य में पड़ गई, अर्जुन की तरह डरी नहीं। अब एक दूसरा सवाल पैदा करते हैं कि आखिर मुख में ही क्यों दिखाया। एक भाव बता दिया, अब दूसरा भाव और बताते हैं। यावत्यो देवतास्ताः विदधति पततिं ब्राह्मणे वेदवेदिनि न्यारात् तीर्थानि कृत्स्नान्यपि किमु बहुना सर्वमेवापि विश्वम् इत्थं वेदोपपाद्यं विशदयितुमिह ब्राह्मणानां महत्त्वं स्वास्ये कृष्णेन विश्वं निखिलमपि तदा ब्राह्मणात्मन्यदर्शिः। बोले भाई देखो, जितने देवता हैं
वो सब वेद वेत्ता ब्राह्मण के शरीर में निवास करते हैं। सब देवता ब्राह्मण के मुंह से खाते हैं, पितर लोग भी ब्राह्मण के मुंह से खाते हैं। तो मुंह में डालता है ब्राह्मण और पितरों का होता है श्राद्ध, मुंह में डालता है ब्राह्मण। बनिया लोगों ने बहुत कोशिश की कि हमारी पूजा होने लग जाए ब्राह्मणों की तरह, बहुत कोशिश की। कई लोगों ने ये कोशिश की कि श्राद्ध में लोग हमको खिलावें, यज्ञ में हमको खिलावें, हमारी पूजा ईश्वर की तरह करें। लेकिन आप जानते हो अभी कुंभ मेले में जितने आदमी आते हैं, बिना बुलाए कुंभ मेले में जितने लोग इकट्ठे होते हैं ना, कांग्रेस का महासम्मेलन जब होता है तो उतने लोग उसमें नहीं आते हैं। देखो ये धर्म का निमंत्रण है, धर्म का निमंत्रण दूसरा होता है और राजनीति का निमंत्रण दूसरा होता है। तो देवता रहते होंगे मंदिर में, बोले नहीं नहीं सब देवता वेद वेत्ता ब्राह्मण में निवास करते हैं। सारे तीर्थ भी वेद वेत्ता ब्राह्मण में निवास करते हैं। अरे और क्या, सारी दुनिया वेद वेत्ता ब्राह्मण में निवास करती है। ये वेदोपवाद्य सिद्धांत दिखाने के लिए, ब्राह्मणों का निरतिशय महत्व प्रकट करने के लिए भगवान ने अपने ब्राह्मणात्मा मुख में विश्व का दर्शन कराया। मुंह में विश्व का दर्शन क्यों कराया? मानो ब्राह्मणों की महिमा प्रकट करना चाहते हो। ये ब्राह्मणों की महाराज महिमा को कोई काट नहीं सकता। वो दूसरे दूसरे तरह से आती है, दूसरे रूप में आती है। वो एक बार हमारा एक भगत है दिल्ली में, वो अपने घर ले गया था, तो वो विनय नगर में रहता था। अब मालूम नहीं उस नगर का नाम विनय नगर है कि नहीं, तो हमने पूछा भाई नाम तो बहुत बढ़िया रखा विनय नगर। तब उसने बताया कि एक सेवा नगर है महाराज, जिससे छोटे दर्जे का है वो सेवा नगर है, और हम जिसमें रहते हैं वो विनय नगर है। फिर बोला कि हमसे बड़े लोग जो है वो शान नगर में रहते हैं, और उनसे बड़े लोग जो है वो मान नगर में रहते हैं। तो मान नगर में मंत्री, और शान नगर में अफसर, और विनय नगर में क्लर्क, और सेवा नगर में चपरासी। इसी का नाम वर्णाश्रम है। देखो ना वहाँ आ गया कि नहीं आ गया, यही इसी का नाम तो वर्णाश्रम है। तो जो सिर के पास रहेगा, सिरो भाग पर रहेगा, उसको हम लोग अपनी जात में मिलाते रहेंगे हमेशा। तो भगवान ने बताया कि देखो ये ब्राह्मणों का महत्व, कि हमारे मुख में ही संपूर्ण विश्व है। मुख में क्यों दिखाया? क्योंकि मुख ब्राह्मण है। ब्राह्मणों से मुखमासी बाहु राजन्य कृता हरेत्यभिधया त्वेति च पुरा हम अभ्यर्थिता तथा दिस हरे सुखम त्वदनुरूप पुत्रो द्भवम् इदं तदिति निश्चितं कलय मुख्य रूपं ममेत्युपस्थित भरान् ततोऽन्वभिहितं जनन्यै किमु। कृष्ण ने कहा कि हे माता जी, जब पूर्व जन्म में तुम्हारा नाम धरा था, और ये जो पृथ्वी है ये भी तुम्ही थी, तब तुमने हमसे प्रार्थना की थी कि हे कृष्ण ऐसा सुख हमको दो कि तुम्हारे जैसा हमारे पुत्र हो। तो देखो धरा का एक अंश, पृथ्वी का एक अंश उठा के जो मुंह में डाला, तो बताया कि अरे वो धरा, अरे वो मैया, अरे वो जसोदा, तूने जिस सुख की प्रार्थना की थी वो देख यही है। तो मुंह में मिट्टी डाल करके एक प्रकार का संकेत कर दिया। अब एक और दूसरा भाव सुना, मन निमित्तेन यद विश्वम, मृन निमित्तेन यद विश्वम, आदर्शी विभुना मुते तन्मन्येकां पुरस्कृत्य बोधितं विश्वरक्षणम्। मिट्टी के बहाने भगवान ने विश्वरूप का दर्शन कराया। देखो मुंह की ओर मैया की नजर कैसे खींची, बोले मिट्टी खाई, मिट्टी खाई और मैया की नजर अपने मुंह की ओर खींच ली। तो मृतिका के निमित्त से क्यों खींची? बोले मिट्टी के निमित्त से यूं खींची कि मिट्टी के लिए ही तो मैं पृथ्वी की रक्षा करने के लिए ही तो आया, तो पृथ्वी की रक्षा के निमित्त से विश्व की रक्षा करूंगा। ये बात दिखाने के लिए पृथ्वी के बहाने से अपने शरीर के भीतर भगवान ने विश्व का दर्शन कराया। एक देखो शब्द का और श्लेष देते हैं, यन्न दृष्टम श्रुतम वापी संसार गुरु कानने। ये संसार के बड़े भारी जंगल में, गुरु कानने बड़े भारी जंगल में, कानन माने जंगल, और गुरु कानने बड़े भारी मुख में, जो बात कभी देखने में नहीं आई, भगवान की कृपा से जसोदा मैया ने वो चीज बालक आनने, बालक के आनन में
बालकानन में नन्हे से जंगल में अथवा बालकानन में बालक के मुख में मैया ने देख लिया। अब एक वेदांत का तत्व स्पष्ट करता है, व्यक्ति प्राक सृष्टेर अभिकारी वेद गदितम जद रूप आसीत परम रूपे नामनि कल्पिते विविधे तत्तत्ताग्रगे वध्रुवम व्यक्ति कर्तुम संशयम निज जनान प्रागुत्तरं च प्रभु रूपम मुख्यमयम स्वनामकरणात् प्रादर्शयति गोकुले। देखो भगवान ने अपना नामकरण संस्कार होने के पहले अपने मुंह में मैया को विश्व दिखाया और नामकरण संस्कार होने के बाद भी मैया को अपने मुंह में विश्व दिखाया। तो इससे वेदांत का क्या रहस्य प्रकट करते हैं कि सृष्टि के पहले जो निर्विकार वेदोक्त भगवान का परम रूप था, नाम और रूप की कल्पना होने पर भी वो रूप ज्यों का त्यों है। जब नाम रूप नहीं था तब भी वही, और जब नाम रूप हो गया तब भी वही, और जब नाम रूप नहीं रहेगा तब भी वही। ऐसा अपना स्वरूप दिखा करके व्यक्ति कर्तुम संशयम निज जनान प्रागुत्तरं च प्रभु रूपम मुख्यमयम स्वनाम करणात् प्रादर्शयत गोकुले। प्रादर्शयत, ये निस्संदेह ये बात प्रकट करने के लिए अपने भक्तों के सामने भगवान ने नामकरण के पहले भी और पीछे भी अपने इस मुख्य रूप का दर्शन कराया। यही मुख्य रूप है जो हमेशा रहता है, नाम और रूप तो अनेक तरीके आते जाते रहते हैं। बोले भाई भगवान ने अपना रूप दो बार क्यों दिखाया, एक ही बार क्यों नहीं दिखाया, दो बार क्यों दिखाया? बोले इसकी बात ये है, एक बार दो बार का सवाल नहीं, सवाल तो ये है कि जिसको दिखाया गया उसके ध्यान में आया कि नहीं आया। एक बार शेख जयदयाल जी वृंदावन में व्याख्यान दे रहे थे, तो अपने ढंग से वो बड़े सख्त आते थे, जो उनकी बुद्धि में नहीं जचता था उसका खंडन ही करते थे, निर्भय थे। तो वृंदावन के श्री जी के बगीचे में हो रहा व्याख्यान, उनके सब सत्संगी आए हुए, 5-7 सौ 8 सौ आदमी बैठे हुए, सीता मऊ के राजा, उन्होंने कहा कि रासलीला देखने में क्या रखता है, ऐसे ही कहा तो किसी को भगवत भाव होता नहीं है और मन में विकार बढ़ता है, और यदि इससे मनुष्य का कल्याण होता तो बार बार क्यों देखना पड़ता, एक ही बार देखने से कल्याण हो जाता ना। ये व्याख्यान मैं वहाँ बैठा हुआ था, हमारा तो बड़ा प्रेम था सेठ जी से, मैंने कहा कि बाबा ये वृंदावन में आके कहीं पिट न जाए, है ना। मेरे मन में आया कि ये स्वर्गाश्रम में ऐसी बात बोलते हैं तो बोलते हैं, वृंदावन के लोग तो बड़े विकट हैं, कहीं ये रास लीला की निंदा करने से नाराज होके पीटने न लगे, तो मैंने बोलना शुरू कर दिया सेठ जी के व्याख्यान के नीचे। मैंने कहा कि सेठ जी ये बात तो भगवान के नाम पर भी लागू होती है, अगर रास लीला देखने से कल्याण होता है तो आप कहते हैं एक बार में ही हो जाना चाहिए, बार बार क्यों देखना, तो अगर भगवान के नाम लेने से कल्याण होता है तो ये कई बार में हो जाना चाहिए, बारंबार क्यों लेना, लेकिन आप तो भगवान का नाम बार बार लेने को कहते हैं। अब ये महाराज 1938 की बात है, और इसके बाद फिर मैंने व्याख्यान देना शुरू कर दिया और 1 घंटे तक मैंने गोपी प्रेम और श्री कृष्ण और रास लीला पर व्याख्यान दिया, चुपचाप बैठे रहे, सुनते रहे, सब लोग सुनते रहे बड़े प्रेम से। फिर जब व्याख्यान मेरा पूरा हुआ तो मेरा हाथ पकड़ के अकेले मिले गए और बोले कि पंडित जी आपने बड़ा बढ़िया काम, उस समय मैं पंडित जी था सफेद कपड़े, बोले पंडित जी आपने बहुत बढ़िया काम किया, मैं तो जोश में आके बोल रहा था लेकिन यहाँ उससे झगड़ा हो जाता, तो अच्छा किया आपने ऐसी बात बोल दी कि सब लोग खुश भी हो गए और ये काम बन गया, अच्छा हुआ आपने बहुत बढ़िया किया, ऐसे ले जाके हाथ पकड़ते हो अकेले में। तो इसमें ये बात नहीं है कि एक बार बोलने से कल्याण हो जाए कि दो बार बोलने से कल्याण हो जाए, तो आज ही तुमको भगवान क्यों नहीं मिल जाता। एक महात्मा से किसी ने कहा कि हमको तो आज ही भगवान का दर्शन कराओ, तो महात्मा ने कहा कि बेटा आज भगवान का दर्शन मैं तुमको करा दूंगा तो कल जाके फिर तुम दुकान पर बैठोगे, फिर तो काम क्या करोगे। बोले नहीं नहीं हम भजन करेंगे। तो अच्छा तब जब दर्शन होने के बाद ही तुम भजन ही करोगे तो आज भी भजन ही करो ना, दर्शन दर्शन क्या कर रहे हो, आज भी भजन करो, कल भी भजन करो, परसों भी भजन करो, जब तुमको भजन ही करना है तो भजन तो ऐसे भी कर सकते हो। तो इसमें एक बार दो बार का नियम नहीं है कि जसोदा मैया को
भगवान ने दो बार दर्शन क्यों कराया? जावत तत्व मतिष्ठति समुदय अंते बसंतम गुरुम, जावत तत्व मतिष्ठति समुदय अंते बसंतम गुरु संतावत समुपादिशेष नियम तत्रा सकृत वा सकृत। जब तक तत्व पति तत्व मति का उदय न हो तब तक अपने शिष्य को गुरु बारंबार उपदेश करता जाए। बार बार उपदेश करना पड़ता है, हमारी जबान को तकलीफ होती है, तुम्हारे कान को तकलीफ होती है, बार बार वही बात। बोले नहीं, ये सब नहीं देखना, गुरु का ये काम है कि जब तक शिष्य की बुद्धि सुधर न जाए तब तक उसको बार बार उपदेश करे। न नियम तत्रा सकृत बा सकृत, उसमें ये नियम नहीं है कि एक बार उपदेश करे कि दो बार उपदेश करे, क्योंकि आप जानते हैं ना, श्वेत केतु को एक ही बात 9 बार सुनाई गई। तत्त्वमसि श्वेत केतो तत्सत्यम स आत्मा, तत्त्वमसि श्वेत केतो 9 बार सुनाई गई, 9 बार। तो जब तक उसकी समझ में नहीं आई तब तक सुनाई गई। तो ये भगवान श्री कृष्ण जो हैं, वो अनुग्रह संप्रदाय के गुरु हैं, कारुण्य रूपी क्षीर सागर हैं, कारुण्य के क्षीर सागर हैं। उन्होंने ये सोच करके बोले कि बाबा जसोदा मैया की बुद्धि में जब तक ये रूप भर न जाए तब तक बार बार दिखाने में कोई हर्ज नहीं है। इस तरह जसोदा मैया ने भगवान के मुंह में संपूर्ण विश्व को देखा। देख के उसके मन में ख्याल हुआ कि क्या मैं सपना देख रही हूँ, कि क्या मेरे बेटे की कोई जोग माया है, ये है क्या जो मैं देख रही हूँ। तो ये कहते हैं कि जब जसोदा मैया के मन में वो रूप देख करके विचार का उदय हुआ तब बोले कि असल में देखो, सीता जो होता है वो सबको तो दिखा देता है लेकिन अपने को नहीं दिखाता। सर्व दर्शन चणो विदर्पण स्वस्वरूप कलने यनीश्वर। अरे देखो, हम लोगों की आँख है ना बिल्कुल पास, हम अपनी आँख से सबको तो देखते हैं पर अपनी आँख से अपनी आँख को नहीं देख पाते, जी हाथ में लेना पड़ता है। आपकी आँख कैसी है मालूम है? शीशे में देख के भले मालूम हो, ऐसे नहीं मालूम होगा कि पुतली आपकी कैसी है और कालापन कितना है और सफेदपना कितना है और कितना तीर मारती है, ये आपको मालूम है? कहाँ कहाँ निशाना लगाती है, दाहिने और बाएं, ये आपको मालूम है? अरे ये अपनी आँख जो है वो कैसे निशाना मारती है, ये आपको मालूम है? तो जो आँख सबको देखती है वो आँख खुद अपने को नहीं देख सकती। और यहाँ तक कि हम दूसरे की आँख तो भले देखें कि ऐसा ताना है, जानते हैं एक आना दो आना ऐसा ताना है ना, ये सब आँख में होता है ना। हमको बचपन की याद है, जो आप क्लास में पढ़ने जाते थे तो जब कोई काना लड़का, अपनी उम्र का काना लड़का आता दिखाई पड़ता ना, हाँ, तो उस समय शरारत करते हैं, एक आना दो आना एक आना दो आना एक आना। जो कर्मा बेचारा होता तो वो गिरता और जाके मास्टर से कहता एक आना दो आना बोल रहे। तो बोले बाबा, हम लोग तो एक आना दो आना पैसे का हिसाब लगा रहे हैं, तुम्हारे साथ इसका थोड़े संबंध है। तो शीशा सबको दिखा देता है परंतु अपने को नहीं देख पाता। जसोदा मैया कृष्ण को तो देख रही है परंतु अपने आप को नहीं देख रही है। तो कृष्ण बन गए सीता, और जब सीता बन गए, अपने मुंह को उन्होंने शीशा बना दिया और उसमें मैया क्या देखती है, सारी दुनिया, फिर ब्रजभूमि और फिर नंद बाबा का महल, और उसमें जसोदा माता ने अपने आप को देखा हो, आत्ममति हो गई जसोदा मैया को, आत्ममति का उदय हो गया, अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया। बोले हो, स्वरूप का ज्ञान महाराज, ज्ञान देना भी कभी बड़ा महंगा पड़ता है। अयोग्य अधिकारी को जब ज्ञान हो जाता है ना, ऐसा ही है जैसे कोई देख एक अनजान आदमी को अपना मुनीम बना ले और सब ब्लैक का बही खाता हिसाब उसको दिखा दे और वो देख को धर दबोचे कि हमको इतना दो नहीं तो हम सब पोल खोलते हैं। ये जो अयोग्य शिष्य को जो ब्रह्म ज्ञान का दान होता है वो उसको फलता नहीं, उसको वासनावान बना देता है, अहंकारी बना देता है, दुराचारी बना देता है। सचमुच वो अविद्या की निवृत्ति नहीं करता क्योंकि सच्चा होता ही नहीं है, वो कलुषित हो जाता है,
अयोग्य अधिकारी में जाकर ये हमारे महात्माओं ने इस पर बड़ा विचार किया है। एक विचार है कि ज्ञान का अधिकारी कौन है, तो इसका सीधा उत्तर है जिज्ञासु। हम किस पोथी को किसको पढ़ावे, बोले जो जो पोथी पढ़ना चाहता है उसकी इच्छा है कि हम ये पोथी पढ़े तो उसको पढ़ा जाओ। स्वाध्याय का वही अधिकारी है जिसके मन में स्वाध्याय की इच्छा है। बोले ये तो ठीक है, परंतु ये नियम और सब जगह सच्चा होने पर भी ब्रह्म ज्ञान के लिए सच्चा नहीं है, यहाँ विशेष अधिकारी की आवश्यकता है। केवल कोई ब्रह्म ज्ञान पाना चाहता है इसीलिए उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं देना, वहाँ तो अधिकार विशेष की आवश्यकता है। वहाँ पंथ बढ़ाना नहीं है, चेलों की गिनती बढ़ानी नहीं है, 1,00,000 बेवकूफों को अपने पीछे लेकर चलना, बेवकूफों का सरदार बनना, बेवकूफों का सरदार ब्रह्म ज्ञान में नहीं बना जाता। वो तो चाहे दुनिया में एक ही तत्व ज्ञानी रहे, परंतु योग्य पुरुष को तत्व ज्ञान का दान किया जाता है। अब देखा भगवान ने कि ये जो हमारे विराट स्वरूप का दर्शन हुआ मैया को, ये जोग माया ने कुछ जल्दीबाजी कर दी, हमसे पूछ के नहीं कराया। तो क्यों, अब जब मैया देखेगी कि ये हमारा बेटा तो साक्षात भगवान है, परमेश्वर है, तो ये तो बैठा देगी सिंहासन पर, बैठिए महाराज, और साष्टांग दंडवत करेगी और पांव धोके पास लेगी, हाथ धुलावेगी, अर्घ देगी, आचमन करावेगी, चंदन लगावेगी, माला पहनावेगी, आरती उतारेगी, लेकिन ना अपने गोद में लेगी ना भूत पिलावेगी। ये ईश्वर ईश्वर ईश्वर, भगवान ने कहा कि ये मैया के सामने जो हमारा ईश्वरत्व तो प्रकट हो गया वो गलत जगह पर हो गया, हो सबके सामने अपना ईश्वरत्व तो प्रकट नहीं करना चाहिए। अत्यल्प भूमि सकला धनमा विशंक्य संभ्रांत धीर्यम भूत पुनरस्य विश्वम साक्षात अवेक्ष भविता अनवधान शालिनी तद्दिया विभुरतावतन हो स्वमायाम। जब देखा कि अरे मैया तो समझ गई कि ये भगवान है, तो बोले कि हे भगवान बड़ा खराब हुआ जो मैया समझ गई। बोले अब हमको दूध कौन पिलावेगा, हमको चपत कौन मारेगा, हमको हाथ टेढ़ी करके डांटेगा कौन, कोई तो चाहिए ना ऐसा प्रेम करने वाला, ब्रह्मलोक में तो कोई है नहीं, वैकुंठ में भगवान के मैया नहीं है, इसलिए कोई माटी नहीं उगलवाता है, कोई डांटता नहीं है, कोई चपत नहीं लगाता है, और निराकार के तो कोई है ही नहीं, ब्रह्म के कोई है ही नहीं, ये तो अनाथ ही है ना बिल्कुल। आप जानते हैं ना ब्रह्म के माँ बाप तो है ही नहीं है, और ब्रह्म के माँ बाप नहीं है इसलिए बिल्कुल अनाथ है ना। अच्छा माँ बाप नहीं है, अच्छा भाई हो तो भाई बहन भी नहीं है ब्रह्म के, अच्छा कोई घरवाली हो तब भी काम चले, वो अकेले सबका संभाल ले, पत्नी जो होती है ना घर में वो अकेले दुश्मन का भी काम कर लेती है और माँ का भी कर लेती है और भाई बहन का भी कर लेती है, लड़ना हो तो लड़ भी ले, दुश्मन की जगह भी वो पूरी कर लेती है, चार सुना दे। तो मान लो ब्रह्म के माँ बाप ना हो, भाई बंधु ना हो, दुश्मन भी ना हो, केवल अकेली घर वाली हो तो सब संभाल ले, तो वो भी नहीं है। अच्छा तो कोई बच्चा बच्चा हो तो खिलाने में समझ जाएगा, वो भी नहीं है। तो ब्रह्म तो अकेला है ना, तो उसके तो कोई है ही नहीं ब्रह्म के। तो अब यहाँ आए हैं तो मैया मिली है, अब वो मैया प्यार से दूध भी पिलाती है, माखन भी पिलाती है, डांटती भी है, फटकारती भी है, पर ब्रह्म परमात्मा को ऐसा सुख मिल रहा है जैसा निराकार को नहीं, जैसा गोलोक में नहीं, वैकुंठ में नहीं, ऐसा सुख मिल रहा। बोले कि बाबा ये जोग माया तूने क्या कर दिया, जरा सी मैंने माटी खाई थी उस पर तो मैया व्याकुल हो गई कि हमारे लाला ने माटी खा ली। अत्यल्प भूमि शकला धनमा विशंक्यो, थोड़ा सा धरती का एक कणा, शकल माने कणा, खाने से मैया की ये हालत हो गई, उतावली हो गई, बिचारी मारने के लिए आ गई। अब आज ये हमारे मुंह में सारा विश्व देख लेगी तब तो ये बेहोश हो जाएगी, बिचारी पगली हो जाएगी, इसलिए भगवान ने सोचा कि इसको ऐसे पागल नहीं रहने देना चाहिए, अपनी माया का संचार इसके ऊपर कर देना चाहिए। किंचित कार्य बसाद दर्शि बदने यद विश्व रूपम मया तत्स्फूर्ति समवस्थिता यदि सदैव आस्याम ततश्चिन्तिता अर्थो नैव भवे मनागपि ममेति आलोच्य मन्ये च्युता चित्ते तावतनोद कुंठ चरितो माया महावैष्णवी। बोले किसी काम से अगर माता को विश्वरूप दिखा भी दिया मुंह में, तो यदि इसको हर समय यही मालूम पड़ेगा कि हमारे बेटे के मुंह में तो विश्व,
तो मैं जो काम करने के लिए आया हूँ बाल लीला का सुख लेने के लिए, वो तो बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए भगवान ने पुत्र स्नेहमयी माया का विस्तार कर दिया। झाट मैया ने अपना लाला समझ करके गोद में लिया और दूध पिलाना शुरू कर दिया। बोले बलराम भागो यहाँ से, श्री रामा सुबल भागो भागो, तुम लोग हमारे लाला को झूठे कलंक लगाते हो, हमारे लाला के मुंह में माटी वाटी कुछ नहीं है, इसने माटी नहीं खाई है, तुम सब झूठे हो। वो महाराज जो छड़ी पहले कृष्ण की ओर उठी थी तो वो ग्वालों की ओर उठी और कृष्ण ने कहा मैया री मैया, दोनों हाथ गले में डाला और दूध पीने लग गए। अब आगे कथा प्रसंग कल सुना।